हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह उठना बहुत मुश्किल है, आपको भी लगता है क्या? मुझे तो बहुत लगता है, पर उठना पड़ता है क्योंकि दो चीज़ें। एक तो आपका पूरा रूटीन ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है, जो कि मेरा मेन पर्पस है, और दूसरा सुबह का सूरज हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारी आँखों के लिए अच्छा है, एट्सेट्रा। पर मेरा जो रीज़न है वो यही है कि मेरा रूटीन पूरा दिन भर का ऑर्गेनाइज में रहे। सो बस वॉक करती हूँ, आज रनिंग करने का मन नहीं, वॉक करके जाती हूँ। सुबह हो तो चिड़िया की कुकू कुकू चू 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 की आवाज़ आती रहती है, तो अच्छा लगता है सुनने में। अभी भी आ रही है, पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं, पर आ रही है। बहुत खाली है क्योंकि आज वीकडे है, वीकेंड नहीं। वीकेंड पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि क्या बताऊँ, पर भरा रहता है लोग। वो रीच्ड द डेस्टिनेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग, क्योंकि इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग और मैं अभी अभी वॉक करके आई हूँ। फिर आके मैंने चेंज किया अपना कपड़ा, जो मैंने रात को पहना था वो वाला पहन लिया है, और अब जा रही हूँ अपना साइकिल धोने, क्योंकि ऑलमोस्ट 6-7 महीना हो चुका है साइकिल को खरीदे, लेकिन अभी तक मैंने उसको धोया नहीं है, पानी से वॉश नहीं किया है, और अब उसका गंदा दिखने लगा है, तो आई शुड वॉश इट। सो चलिए सबसे पहले साइकिल धोते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ एक कूलिंग ड्रिंक। सो जनरली तो मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ, लेकिन आज मन कर रहा है कि कुछ ठंडा ठंडा सा पिया जाए, तो यहाँ पे फेमस है सत्तू, बिहार में। सुना ही होगा, आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं सुना तो बता दूं, हर घर में यहाँ पे आपको सत्तू ज़रूर मिलेगा, और गर्मी के टाइम में लोग सत्तू ज़रूर पीते हैं क्योंकि ये कूलिंग ड्रिंक है, जैसा कि मैंने बताया। मैं भी बचपन में पिया करती थी, और अभी मुझे बहुत टाइम हो गया पिए हुए, तो आई शुड ट्राई दिस। और मेरे दिमाग में ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि जब मैं अपने घर से निकलती हूँ ना, तो 10 कदम की दूरी पे एक सत्तू वाला रहता है, वो हम हर दिन मैं उसको देखती हूँ, तो मेरे मन में भी आया कि सत्तू पीना चाहिए, तो चलिए बनाते हैं।
approximately 10 hours later. Hello everyone. It's evening time. 5:15 हो रहा है शाम का. वैसे सब लोग अपना अपना भी सोए हैं, मतलब उठने का वक्त हो गया. मैं दिन में नहीं सोती क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सोना, और दिन में अगर सो जाऊँ तो बहुत इनएक्टिव फील होता है. वैसे आज मुझे बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव फील हो रहा है, मतलब बहुत लेज़ी टाइप फील हो रहा है. मे बी इट्स बिकॉज ऑफ वेदर, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है. समर्स में ऑफकोर्स गर्मी तो होगी ही, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है यार. इतना एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था, पर फैन में ही मैं काम चला रही हूँ. पता है पहले जब एसी था ना, सॉरी एसी नहीं था, तो लगता था कि यार काश एसी होता, काश एसी होता, ऐसा वाला फील आता था. तो हम लोग पापा को परेशान करते रहते थे, बोल के कुछ कुछ बोलते रहते थे कि एसी चाहिए, एसी चाहिए. और अभी जब है तो मैं एसी में नहीं बैठती हूँ, मतलब 10 में से रेयरली एक दिन बैठ जाती होंगी. और यहाँ पे जैसी गर्मी है, एसी में बैठने वाली ही गर्मी है, स्टिल मैं नहीं बैठ रही हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हमें वो चाहिए होता है, और जब वो आ जाता है तो फिर हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है. इनफैक्ट सिर्फ एसी नहीं है ऐसी कोई चीज़, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल्स है मेरी ज़िंदगी में भरा पड़ा. तो मुझे अचानक से याद आ गया, सो मैंने बोल दिया. हाँ, सो मैं ये बोल रही थी कि शाम का जो टाइम है ना, वो हमारा गॉसिप वाला टाइम होता है, प्लस ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं शाम को हम लोग. सो वो करेंगे थोड़ी देर में जाके. जैसे करेंटली मैं एक सीरीज़ देख रही हूँ जिसका नाम है द गोल्डन स्पून. ये है एक के ड्रामा, एंड इट्स सो गुड यार, बहुत अच्छा है. बहुत लंबा लंबा एपिसोड्स है, मतलब 1.5 घंटे का एपिसोड समझ लो, या फिर 1 घंटे का. तो रोज़ नहीं देख पाती क्योंकि टाइम नहीं होता, पर जैसे ही टाइम मिलता है या थोड़ा सा लेज़ी फील होता है, कुछ और करने का मन नहीं है, तो ज़रूर देख लेती हूँ. सो अभी बीच में हूँ, मतलब 16 एपिसोड में से 11 एपिसोड पे हूँ. तो लेट्स सी हाउ इट गोज़. अच्छा ही लग रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आया. तो अब आपको लेके चलूँगी हमारे गॉसिप टाइम में. आपको गॉसिप्स नहीं सुनाऊँगी क्योंकि बताने लायक नहीं होते ये गॉसिप, और अपना इवनिंग टाइम दिखाऊंगी आपको. ओके, सो दिस वॉज माई डे. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना, एंड मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में. सो टिल देन, बाय बाय.